तो तुम लोगों से यदि कोई भी पूछे कि भाई आर्टिकल के बारे में क्या जानते हो, भले ही कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, इतना तो चिपका ही देना कि भाई 395 आर्टिकल्स होते हैं अलॉन्ग विद 12 जो है वो शेड्यूल्स होते हैं, तो सामने वाला बोलेगा कि अच्छा बहुत नॉलेज है इसको। लेकिन जो मेन एजेंडा रहेगा भाई, वो मेन एजेंडा रहेगा कि इस 20 डेज के छोटू से टाइम में भाई कैसे हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ बिग एक्ट्स, इनफैक्ट वी कैन से कि बिग चैप्टर्स लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इन बड़े बड़े चैप्टर्स को हम लोग कैसे खत्म करेंगे। आप और मैं 20 डेज की ये प्लेज लेते हैं जहां पे हम लोग 20 डेज में मैक्सिमम नहीं 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का CSEET के 20 डेज प्लेज में, और इस 20 डेज प्लेज में आज हम लोग इस रंगारंग कार्यक्रम की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, इस रंगारंग कार्यक्रम में, इस रंगारंग प्रोग्राम में क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों, मैं CS गौरव महेश्वरी, क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों के लिए 20 डेज में, इस आने वाले अगले 20 डेज में CSEET लीगल एप्टीट्यूड, जिसको तुम लोग लॉ बोलते हो, और इकोनॉमिक्स के साथ में एक बी पार्ट जो है दैट इज योर बिजनेस एनवायरमेंट, उस बिजनेस एनवायरमेंट और लीगल एप्टीट्यूड का इन 20 डेज में हम लोग प्लेज लेते हैं आज से ही कि यहां पे आने वाले अगले 20 डेज में फुल फ्लेजेड पूरी तरीके से विथ एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा डिस्कशन हमारे इस लेक्चर में हम लोग अगले आने वाले 20 डेज में करने वाले हैं। सर, आपने ये 20 डेज कम से कम 10 बार बोला, बेसिकली ये 20 डेज में क्या होगा? भाई ये हमारी प्लेज है, एक तरीके की कसम है कि इस 20 डेज में हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स का, लॉ एंड बिजनेस एनवायरमेंट का, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में एग्जामिनेशन की ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इन इंडिया इन एवरी अटेम्प्ट There are lots of students, those who will be your competitors. और उन सारे competitors को beat करके तुम लोग कैसे आगे निकलोगे, उन सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पर discussions करने वाले हैं।